में शिवसेना की ओर से शहर के सिडको हड़को क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में 8 जून को होने वाली एक भव्य बैठक के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निमंत्रण को आज नागरिकों को दिया गया है। इस अवसर पर शिवसेना विधायक अंबादास दानवे के मार्गदर्शन में शिवसेना नेता राजू वैद्य, संतोष जेजुरीकर, विश्वनाथ स्वामी, मकरंद कुलकर्णी, बद्रीनाथ गार्गे, चंद्रकांत देवराज, किशोर राजपूत आदि को सिडको क्षेत्र के हर घर में आमंत्रित किया गया है। शिवसेना नेता राजू वैद्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में नागरिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता राजू वैद्य ने कहा कि लोगों को मोर्चा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि शिवसेना का काम बड़ा है इसलिए मुख्यमंत्री की बैठक में लोगों की भारी प्रतिक्रिया है। 8 जूनला शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहब यांची शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त संभाजीनगर इथे सभा आहे। या सभेसाठी लोकांमध्ये खूप उत्साह आहे। आमच्या शिवसैनिकांमध्ये तर निश्चितपणे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे। सगळे शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून घरोघर जाऊन लोकांना विनंती करतात की सभेला यायला पाहिजे। आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, मुख्यमंत्री झाल्यापासून या शहरासाठी 1680 रुपये कोटीची पाण्याची योजना दिली आहे, 3-350 कोटी रुपये रस्त्यासाठी दिले आहेत आणि अनेक विकास कामासाठी उद्धव साहेबांनी स्वतः लक्ष घातलं आहे। त्यामुळे लोकांमध्ये खूप उत्साह असल्यामुळं ही सभा अतिशय विराट आणि भव्यदिव्य होणार आहे याबद्दल काही शंका नाही। पण आम्ही सगळे शिवसैनिक घरोघर जाऊन नागरिकांना विनंती करून त्यांना निमंत्रण देत आहोत की त्यांनी सभेला यावं।